Welcome friends to my channel Technopedia. Today I am going to start a new course on Vedic Mathematics. This course will help you in various competitive exams to solve the mathematics questions in very less time. And how they are will help you, I will tell you in next lessons. Friends, this first lesson will give you overview of the course that what we are going to learn in consecutive lessons. This is about me. I have done my BTech from NIT Jamshedpur in EEE branch. I am the gold medalist of my college. I have received various scholarships, one of which is ONGC. Presently, I am posted as an executive engineer under Ministry of Power, Government of India. Friends, if you have any doubts, query or feedbacks, then comment in comment box and share this video as much as possible if you find it's useful. Follow me on http://www.youtube.com/rajivrai.nitgsr. So let's begin. So friends, I have written some of the questions. I know all of them will thinking that ki ye to bahut easy questions hain, ye to bahut aaram se solve ho jayenge. But problem yahan ye hai ki aap in sab questions ko kis tarah se solve karte ho? Aapka approach kya hai? Aap kitna time consume karte ho in sabko solve karne mein? Aur kitna area aap lete ho usko solve karne mein? Ye sari cheeze bahut hi matter karti hai exam point of view se. Because exam में आपका question paper रहता है, यहाँ इतने सारे questions लेते हैं, जगह बड़ी छोटी सी रहती है, time बहुत कम रहता है कि एक questions के लिए बहुत ही मुश्किल से आपको एक minute मिल पाता है. तो वैसे में इन questions को solve करना थोड़ा सा difficult हो जाता है. तो Vedic Mathematics यही चीज़ है. बहुत लोग आप में से जानते हैं Vedic Mathematics, बहुत लोगों ने सुना होगा, but I am pretty sure that most of you don't know that Vedic Mathematics कितनी helpful हो सकती है इन सब exams में, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो. सो मैं आपको यही सब बताऊंगा कि कैसे इजी ट्रिक्स और वे से आप इन सब क्वेश्चंस को मिनटों में नहीं सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे. दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ये बहुत ही इजीली रिमेंबर आप कर सकते हैं और कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं. आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की, बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है. पहला पॉइंट ये बनता है. दूसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट. एक एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन है, एक मिनट से भी कम मिलता है. क्योंकि देखिए, कई जगह आप देखेंगे ना, 200 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मिनट्स मिलता है, मतलब अराउंड 35 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन को. तो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें. तो वैसे में ये वैदिक मैथमेटिक्स बहुत टाइम कंज्यूम कम करता है, आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली हो पाते हैं और आप सारे क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि वैदिक मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन ऑफ जो आपके मैथमेटिक्स है उसी को वैदिक मैथमेटिक्स मतलब मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स हैं. बहुत सारे नंबर्स में आप यहाँ पर चेंज कर देंगे 1, 6, 7, 4, 2 और आपको 48 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स को एक ही ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. तो आपका माइंड जो है बहुत शार्प होगा अगर आप इस तरीके से आगे जाएंगे और मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस भी बढ़ती है. दोस्तों, ये कोर्स मैंने उन ऑडियंस के लिए बनाया है जिनको मैथ के शॉर्टकट जानने थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे SSC, रेलवे, बैंक, PO और अदर स्टेट एग्जाम, जहाँ टाइम बहुत ही कम रहता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो जल्द से जल्द करना चाहते हैं. ये कोर्स उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो मैथ्स को बहुत ही बोरिंग फील करते हैं, अनइंटरेस्टिंग फील करते हैं, और सब्जेक्ट्स के हिसाब से उन्होंने मैथ्स बहुत टफ लगता है, तो उनको बहुत ही ईजी लगने लगेगा, ये मेरा दावा है. तीसरा, उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता है, नंबर्स के साथ काम करना जिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो उनको भी ये ट्रिक सीखनी है तो वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं. कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो वी आर गोइंग टू कवर 6 मेजर थिंग इन दिस कोर्स: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. क्योंकि ये जो 6 मेजर बेसिक थिंग्स हैं, ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्हीं 6 चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है हम लोगों को. तो अगर इन 6 चीज़ों को हम लोग शॉर्टकट सीख जाएं तो किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम कंज्यूम किए कर पाएंगे. तो इन सारी चीज़ों को हम अपने कोर्स के दौरान सीखेंगे. दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे का कोर्स भी बहुत ही बेहतरीन है. तो सो थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट दिस कोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, bye-bye.